ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्या हुआ माँ, हमारा तंत्र खराब कैसे हुआ? हमें लगता है कि किसी ने हमारे मंत्र को लौटा दिया है। हमारा तंत्र नाकाम हो गया है। क्या ये संभव नहीं है? मैंने तुम्हें काले जादू के बारे में सब कुछ सिखाया लाबोनी, लेकिन कभी ये मत भूलना कि और भी शक्ति है जो हमारे काले जादू को नाकाम कर सकती है। और भगवान की शक्ति के अलावा एक और शक्ति है जो काले जादू को बेअसर कर सकती है। वो क्या है? प्यार, असीम प्यार, 7 जन्मों का रूहानी बंधन जो आत्मा से जुड़ा होता है, और उस प्यार को पार करना आसान नहीं होता है। माना मैं उस प्यार से प्यार को नहीं पा सकती, लेकिन उस इंसान से छुटकारा तो पा ही सकती हूँ जिससे मेरे जलाल को बहुत सारा प्यार है। मुझे हर हाल में जलाल को अपने काबू में लेना है माँ, और इसके लिए उस शख्स का मरना बहुत जरूरी है। नहीं लाबुनी, कोनो लाभ नहीं, जलाल को भूल जाओ। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। मैं हर हाल में उसे पाना चाहती हूँ माँ। तुम्ही ने कहा था ना माँ कि मैं जो चाहूं उसे पा सकती हूँ। बस मैंने उस बात को मान लिया है, और अब मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे। कितनी जिद्दी है तू। हाँ, इस बार भी नहीं मानेगी ना? कर ले कोशिश, लेकिन जलाल को यहां बैठकर पा नहीं सकती। हमें आगरा जाना होगा। मैं भी आगरा जाने के लिए बहुत बेकरार हूँ। देखो तो वो किसका प्यार है जिसने हमारे काले जादू को बेअसर कर दिया है। बड़े आए थे हमें तलाक देने वाले, अब कभी आगे से ऐसा सोचिएगा भी मत। 7 जन्मों का संबंध है हमारा आपके साथ, इतनी आसानी से हमसे पीछा नहीं छूटने वाला है आपका। मतलब 7 जन्मों तक हमें आपको झेलना होगा? शुक्र है अल्लाह ताला के हमारे मजहब में सिर्फ 1 जन्म होता है, वरना 7 जन्म झेलते तो हमारी जिंदगी दोचक बन जाती। तो तरस आता है हमें आपके मजहब के मर्दों पर, बेचारे कैसे झेलते होंगे अपनी पत्नियों को, है ना? अच्छा, तो क्या हम आपको सताते हैं? इंसान से मुर्गा बना दिया, शहंशाह से गुलाम बना दिया, और क्या चाहिए आपको? यदि आपको हमसे इतनी समस्या है तो ठीक है, जा रहे हैं। अरे हम तो मजाक कर रहे थे शुदा बेगम, हमारे कहने का मतलब है कि हम तो आपकी मोहब्बत के गुलाम हो गए। तो फिर हमसे झगड़े क्यों? हमारी इसी क्या मजाल,
जो हम आपसे झगड़े और अब हम सोच रहे हैं कि फिलहाल तो आप ही थी, अब एक और आने वाली है जो हम पर अपना हक जताएगी। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे अलावा ऐसी कौन है जो आप पर हक जताएगी? कुछ कुछ जलने की बुआ रही जो था बेगम, कुछ कुछ तो जल रहा है, कहीं कहीं कुछ जलन तो नहीं हो रही है? आपकी बहन की बात कर रहे हैं जोधा बेगम, लीला की। अब वो हमारी साली हैं तो आधी घरवाली हुई ना, तो आधा तो जताएंगे हम पर। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे लीला आने वाली है। अच्छा आपने हमें बता दिया, इतनी सारी तैयारियां करनी है उनके स्वागत की। देखना अब जब वो आएगी ना तो ना कुछ अन्य चबवाएगी आपको। सुना है बड़ी शरारती है। सुना है मतलब क्या, आप कभी उससे मिली नहीं? हाँ बहुत छोटी थी, आमेर में उनका जन्म हुआ था, उसके बाद वो अपने स्थान पर चली गई, फिर कभी मिलना ही नहीं हो पाया। पर अब जब वो आएगी तो ढेर सारी बातें करेंगे हम उससे और सालों की कसर पूरी कर लेंगे। कुंवरी सा, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। जब से यात्रा प्रारंभ हुई है आप इस वस्त्र पर कढ़ाई किए जा रही हैं। यात्रा बहुत लंबी है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अरे नहीं कजरी, आगरा पहुंचने से पहले हमें ये कढ़ाई समाप्त करनी है। जोधा जीजीसा के लिए अपने हाथों से कढ़ा हुआ ये वस्त्र उन्हें भेंट देंगे हम। सुना है जोधा जीजीसा सूर्य जैसी ही तेजवान और वैसी ही प्रखर बुद्धि है, इसीलिए सोने के धागे से ये कढ़ाई कर रहे हैं हम। जैसे ही सूर्य की किरणें इन पर पड़ेगी ना तो देखना कैसे चमक उठेगा। सुनिए, ये आगरा का मार्ग कौन सा है? यहाँ से बाएं निकल जाना। बैठिए यहाँ पर। आप समझती क्यों नहीं अम्मी जान, एक तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऊपर से आप यहाँ तक चलकर आ गई, इतनी जिद्दी क्यों है आप? यदि आपको हमसे कोई काम था तो हमें अपने कक्ष में बुला लिया होता, हम आते, आप स्वयं यहाँ पर चलकर क्यों आई? बेशक हम किसी को भी अपने पास बुला सकते हैं, तुम्हें भी, लेकिन इनका क्या? क्या हम इन्हें हुक्म दे सकते हैं कि आप हमारे पास आइए? इनके पास तो हमें ही आना होगा ना। आइए। क्या हम इन्हें कह सकते हैं कि आइए हमारे पास, हम आपके लिए दिया जलाना चाहते हैं? क्या करें अम्मी जान, हमें आपकी बहुत चिंता रहती है ना। फिकर तो माँ को बेटियों की होती है जोधा। हाँ पर आपकी तो बहुत सारी बेटियां हैं, पोतियां भी हैं, पर हमारी तो एक ही माँ है, आप अम्मी जान। यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो फिर हम क्या करेंगे? जोधा काश हमारी जिंदगी में वो तूफान ना आया होता जिसने हमें तुमसे दूर कर दिया। पर अम्मी जान उस तूफान के कारण आप हमारे कितने निकट आ गए। और फिर वैसे भी माँ बेटी में तो रूठना मनाना चलते ही रहता है ना। चलिए अम्मी जान, आपके आराम का समय हो गया है, चलें।
आर यू? योर हाइनेस, नॉट हु आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू? वेरी नाइस, एक्सलेंट योर हाइनेस, यू आर अ फास्ट लर्नर. प्रणाम शहंशाह. तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई ज्योता बेगम? योर मैजेस्टी, शी इज अ गुड लर्नर. जनाब ये कह रहे हैं मलिकाए हिंद एक अच्छी मुतालिम है. बस आज के लिए इतना बहुत है. ललिता इन्हें इनके कक्ष में ले जाओ. पूछा हाउ आर यू, इसका अर्थ है कि कैसे मिजाज हैं आपके. मतलब आपने कुछ लफ्ज और सीख लिए. बहुत खूब, इस जुबान पे पकड़ अच्छी होती जा रही है आपकी ज्योता बेगम. धन्यवाद. और क्यों ना सीखे, जब इन लोगों के साथ हमें व्यापार और व्यवहार रखना है तो फिर इनकी भाषा और तौर तरीके तो हमें सीखने ही होंगे. क्या हमारे लिए तो वो तीन लफ्ज ही काफी है. I love you. ये दिए कैसे पूछ गए? अगर कोई बाहर है तो अंदर मशाल लेकर आए. या खुदा, मशाले एकाएक कैसे बुझ गए? होशियार, होशियार जी. बेगम साहबा, ये दिए क्यों बुझ गए? इन्हें फिर से जला दो. हमारे साथ राजा भंवर सिंह की बेटी राजकुंवरी लीला हैं। वो आज रात यहाँ विश्राम करेंगी. क्षमा कीजिएगा, पर आप कहाँ जा रहे हैं? आगरा. राजकुंवरी लीला मल्लिकाए हिंद जोधा बेगम की बहन है, उनसे और शहनशाह से मिलने जा रही हैं। तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है, पर तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ आगरा चलो. हालांकि हम शहनशाह और जोधा जीजी सा से मिले नहीं है, लेकिन है तो उनकी साली ही ना. सुना है उनके महल से कोई खाली हाथ नहीं जाता. तुम्हारे लिए मैं अवश्य बात करूंगी, वो अवश्य मान जाएंगे. तो चले चलिए, हम आपको दिखाते हैं. हमने एक बार कह क्या दिया हमें कमल पसंद है, तुम तो उसे दिलवाने पर ही तुल गई. ये हम कहाँ आ गए हैं? कहाँ बैठ रही हो तुम? कौन हो तुम? और राजकुंवरी लीला कहाँ है?
आपने उनके गहने और वस्त्र क्यों पहने हैं? सब हमारे ठिकाने पर पहुंच जाओ और बापूसा से कह देना कि हम कुशल मंगल अपनी बहन के यहाँ पहुंच चुके हैं। वाह राजमान सिंह वाह, दिन प्रतिदिन अब चुस्त और बेहतर होते जा रहे हैं। हमें ये यकीन है कि एक दिन शमशीरबाजी में आप हमें शिकस्त दे देंगे। हमें वो जीतनी चाहिए जिसमें आपके हार हो शहंशाह। बहुत खूब, लेकिन एक उस्ताद के इस खुशी की बात यही है कि उसका शागिर्द उससे आगे निकल जाए। जलाल, क्या हुआ शहंशाह, रुक क्यों गए आप? कुछ नहीं, हमें लगा कि लगे जैसे किसी ने हमें आवाज दी। आई शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, राजा भंवर सिंह की बेटी शहजादी लीला आपसे मिलने की आज्ञा चाहती है। कही दीजिए। राजा भंवर सिंह का संदेश भी है शहंशाह। उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ यहां लाया जाए। अब तो मिले होंगे शहजादी लीला से, बुआ से लगती है ना आपकी। शहंशाह कुछ खास याद नहीं है, बचपन में जब मिले थे तो बहुत छोटे थे और बड़े आपके साथ मुगल सल्तनत में हो आपके छत्रो छाया में, परंतु ये सुना है कि मान भाई की खास सखी हैं और बहुत ही निपुण हैं। मुझे जो चाहिए उसे पाने का समय आ चुका है। जलाल तुम ही आमार। गणी खम्मा, लीला अपने जीजासा को प्रणाम करती है। मुगल सल्तनत आपका इस्तकबाल करता है। ये हमारी खास सेविकाएं हैं। ये है दम्मो, ये है कचरी और ये है रूपा। लीला बुआ सम्मान सिंह, आपके भतीजे, बचपन में हम आपसे मिले थे, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। क्या हुआ? माफ कीजिएगा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम आपसे पहले मिल चुके हैं, जैसे हमने आपको पहले कहीं देखा है। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? शहंशाह, हम मिल चुके हैं, बातें भी कर चुके हैं हम। वाकई? कहां, कब?
बस अभी यहीं पर। आप भी ना शहंशाह, हम मान भाई की शादी का शगुन लाए हैं। हम पहली बार यहाँ आए हैं तो आपसे कैसे मिल सकते हैं? हाँ ऐसे हो सकता है क्योंकि हम जोधा जी जीसा की बहन है, दूर की ही सही, हमारे गुण मिलते होंगे इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा। वैसे जीजीसा कहाँ है? हम उनसे मिलना चाहते हैं। सुनो, इन्हें जोधा बेगम के वजीरे तकलीफ हो जाओ, हम आपसे बाद में मुलाकात करते हैं। हाँ अब तो मुलाकातें होती रहेंगी ना। और तुम मेहमानों के लिए मेहमान का सजाओ। प्रणाम।